खोराबर इलाके के कुसमही जंगल में देर रात 11:15 बजे खोराबर एसओ सुधीर कुमार सिंह और सिपाहियों और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। दो वन माफियाओं शिवशरण और उसका एक साथी कुसमही जंगल इलाके में मौजूद होने की सूचना मिली। मौके पर खोराबर अशोक सुधीर कुमार सिंह और सिपाही पहुंचे। इसी बीच बदमाश शिवशरण ने पुलिस वालों के ऊपर फायर झोंक दिया। एक गोली अशोक खोराबर सुधीर कुमार सिंह के दाहिने बाजू को छूते हुए निकल गई। एसएसपी ने बताया कि जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी फायर किया, जिसमें बदमाश शिवशरण के बाएं पैर में गोली लग गई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, वहीं उसका साथी फरार हो गया। बदमाशों से मुठभेड़ में स्वाट टीम के 4 सिपाही शशिकांत राय, रशीद खान, सनातन सिंह और विजय द्विवेदी को भी हल्की चोटें आई हैं। आपको बताते चले कि घायल बदमाश का साथी 25,000 का इनामी शेषमनी निषाद ने एसएसपी के दबाव में 25 जुलाई को देवरिया न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी शलभ माथुर ने बताया। शिवशरण कहाँ रहने वाले? क्या हुआ था बताओ? फॉरेस्ट ऑफिसर को तुम्हें गोली मारे थे? फॉरेस्ट ऑफिसर को गोली मारे थे तुम 14 तारीख को? अभी क्या हुआ था? आज कैसे लगा गोली? पुलिस मुठभेड़ हुई थी, जिसके अंदर की एक इनामी बदमाश है शिवचरण, जो कि अभी विगत दिनों 14 तारीख को घटना हुई थी। डिप्टी रेंजर के ऊपर हमला हुआ था, ये इसके अंदर उनको गोली लगी थी। इस घटना में इसका नाम प्रकाश में आया था। घटना में 4 लोग ऑलरेडी जो है अरेस्ट हो चुके थे। इसके ऊपर 25,000 का इनाम था और कल सूचना मिलने के ऊपर पुलिस जब पहुंची थी तो इसने जो है पुलिस टीम पर फायर किया, आत्मरक्षा पुलिस ने फायर किया। पुलिस के भी कुछ लोगों को चोट आई है, इनको जो है पाँव में गोली लगी है, जिनको मेडिकल कराने लेके गया है। बेसिकली इनकी काफ़ी क्रिमिनल हिस्ट्री, अभी मर्डर के केस में छूट के आए हैं, लगभग आधा दर्जन मुकदमे इनके ऊपर हैं बेसिक, और वन माफिया के रूप में फॉरेस्ट एक्ट के भी इनके ऊपर काफ़ी मुकदमे हैं। और अभी जो एक इनामी इसके अंदर शेष रह गया, शीघ्र उसकी भी गिरफ्तारी की जाए।